हेलो सिविल इंजीनियर, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज एक न्यू टॉपिक के से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक्स क्या होता है? 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स या मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स का क्या डायमेंशन है? ये सब आपको याद होना ही चाहिए। तो वो होता है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स किसे कहते हैं? जो उसमें ब्रिक्स के बीच में एक ग्रुप होता है उसे ब्रिक्स कहते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उससे हमें बॉन्डिंग मिलता है, ब्रिक्स टू ब्रिक्स बॉन्डिंग मिलता है, इसके लिए फॉक्स यूज करते हैं। उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? 100 × 40 mm, और उसका डेप्थ 10 × 20 mm। वेरी करता है साइड टू साइड और मैन्युफैक्चर टू मैन्युफैक्चर। ट्रेडिशनल साइज और कंट्री साइज ब्रिक्स का डायमेंशन क्या होता है? तो 230 × 114 × 76 और 75 mm। ये है कंट्री साइज ब्रिक्स, जो हम सब इन जनरल साइड पे यूज करते हैं। बट आजकल और भी बहुत सारे ब्रिक्स यूज करते हैं, बट ये मैक्सिमम से जगह यूज होता है ट्रेडिशनल साइज ब्रिक्स। ओके, तो व्हाट आर द सोर्स ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स क्या है? तो जो कि होता है 20% ऑफ इट्स ड्रायवेट, मतलब कभी भी 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके ड्रायवेट से। ओके, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो कि सीटीएम मशीन से, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से नापा जाता है। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स का कभी भी 10.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर या उससे कम तो होना ही नहीं चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स, तो सेकेंड क्लास ब्रिक्स का कभी भी वाटर एब्जॉर्प्शन 22% से कम, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम तो चलेगा जो भी हो जाएगा। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक्स, तो वो कभी भी 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो या उससे ज्यादा हो, बट उससे कम नहीं होना चाहिए। मतलब 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर से कम नहीं आना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेकेंड क्लास ब्रिक्स का, नहीं तो वो सेकेंड क्लास को फेल कर जाएगा। ओके, ये है ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन आता है मटेरियल डेंसिटी। अब आपने सिविल इंजीनियरिंग जब कर रहे होंगे तो बहुत टाइम पढ़ते होंगे मटेरियल डेंसिटी, बट उसका फायदा क्या है? फायदा आप जब साइट पे आइएगा, जब इसका प्रैक्टिकल यूज करिएगा, तब आपको इसका फायदा पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल सा फायदा इसको बताता हूँ। जैसे कि पीसीसी या आरसीसी आप ले लीजिए, तो आरसीसी का वेट क्या लिखा था है? 25,500 kg/m³। अब आपने पढ़ा होगा 20 पर एम क्यू, तो इससे क्या पता चला? 1 एम क्यू आरसीसी का वेट, जिसमें सरिया हो उसका वेट 2500 kg होता है। अब आपको तो पता है ना M10 M20 ये सब तो आपको पता होगा। अब M10 में क्या रेशियो रहता है? तो 2500 kg को वो रेशियो में कन्वर्ट करना है, 1:2:3, और जो भी रेशियो जिसका रहता है उसमें आपको 2500 पर एम क्यू के लिए वो रेशियो होता है M10 M20 का, तो उसको इससे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अच्छा 2500 kg में एक क्या मिलाना है, टू क्या हो जाएगा, थ्री क्या हो जाएगा, सीमेंट सैंड एग्रीगेट का रेशियो ये 2500 kg के टोटल करने पे 2500 kg के अंदर आता है। ये फायदा है हमारा यूनिट वेट पता होने का। कभी भी आप अगर ब्रिक्स देखते तो ब्रिक्स का 1 एम क्यू में कितना यूनिट वेट आएगा, अगर आप कहीं मेजरमेंट नहीं होता है तो चलिए वहां पे कहीं कहीं वेट करते हैं, तो वेट करने से कैसे पता चलेगा? तो ब्रिक्स का साइज आपको पता है, उससे पता चल गया कि एक ट्राला में कितना आया, तो आप उसका वेट भी मेजर कर सकते हैं कि चलो इससे इसके बीच का वेट है तो अप्रोक्स इतना ब्रिक्स होगा। ये फायदा होता है इसका। स्टील का वेट पता होने से क्या फायदा होता है? देखिए यहाँ पर एमक्यू है, लेकिन इसको आप पर मीटर में ले जा सकते हैं और आपको पता कर सकते हैं पर मीटर स्टील का वेट क्या होता है, और यह मैक्सिमम जगह पूछा जाता है। उसी तरीका से हमें डेंसिटी रहने से एक फायदा तो कंफर्म है कि हमें हर चीज का यूनिट वेट पता चल जाता है। यूनिट वेट पता चलने से क्या होता है? साइट पे आपको काम करने में ईज होता है। सीमेंट का यूनिट वेट पता चलने से क्या होगा? अब देखिए, आप अगर देखिए 1 एम क्यू सीमेंट का वेट कितना होता है? 1440 kg।
एक एमक्यू सीमेंट का वेट 1440 केजी होगा। अब इसका फायदा क्या है, आप इससे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक बोरा जो कि 50 केजी का बोरा होता है उसमें कितना एमक्यू सीमेंट होता है, ये भी आपसे कितना जगह पूछा जा सकता है कि चलो 50 केजी के बोरे में कितना एमक्यू सीमेंट होता है। अब इसका फायदा क्या है, आप एक शेड बनवा रहे हैं, शेड के अंदर आपको सीमेंट रखवाना है मान लेते हैं 50 टन, तो आप कैसे कैलकुलेट करिएगा कि मेरे को कैसा शेड बनाना है, वहां आप एमक्यू के हिसाब से शेड बना दीजिएगा लेंथ वेट हाइट के हिसाब से। अब जब लेंथ वेट हाइट के हिसाब से शेड बना दिए कि मेरा 10 MQ इसमें सीमेंट रखेगा, तो आप कभी भी ऊपर वाले को ये नहीं बताएगा सर इसमें 10 MQ अटैच होगा, तो 10 MQ मतलब 1 MQ में 1440 केजी सीमेंट वहां रख सकते हैं, तो 10 MQ में कितना केजी उस हिसाब से आप टन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और ये आपका मतलब मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कितना जगह फायदा, यूनिट वेट आपको पता होना ही चाहिए। चलिए तो इसी के साथ यूनिट वेट का चैप्टर एंड करते हैं, इसके बाद आते हैं देखिए डिस्ट्रक्टरिंग शटरिंग। अब शटरिंग को लगा दिया, अब इसे प्रॉपरली कब खोलना चाहिए ये आपको पता होना ही चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। तो आपको पता है कि कॉलम और वॉल का शटरिंग मैक्सिमम वर्टिकल जो कॉलम है और वॉल है, जो वर्टिकल पोर्शन है उसका शटरिंग 24 आवर के बाद इजिली आप खोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉफिट फॉर्म वॉक स्लैब, स्लैब आ गया सॉफिट फॉर्म वॉक टू स्लैब, इसका 3 डेज खोल सकते हैं। सॉफिट टू बीम, बीम का 7 डेज खोल सकते हैं। बीम, अब बीम में आपका जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब 4.5 मीटर तक है तो 7 डेज में खोल दीजिए, 4.5 मीटर से ज्यादा है तो 14 डेज में खोलिए, और अगर आर्चेज है तो 6 मीटर से भी ज्यादा है तो उसे 28 डेज में खोलना है, ये आपको पता होना चाहिए, इसके बाद ही डिसेंटरिंग करते। तो चलिए आज आप कुछ नया सीखे होंगे, अगर आप कुछ नया सीखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूरी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अलग वीडियो में।